online.jbt.com, ये दिख रहा है? इस वेबसाइट को सेव करा, नोट कर लीजिए कहीं, ये वेबसाइट है ओके। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे आप जाओगे या लैंग्वेज के पास, देखिए मैं दिखा रहा हूँ ये लैंग्वेज के पास, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करना सी ओके। सी सेलेक्ट करोगे तो आपके पास ये एक इस तरह का आ जाएगा। यहाँ पे और भी बात ऊपर कुछ होगा उसको, वो कमेंट बोलते हैं उसको हटा देना। मैं ऐसा एक काम करता हूँ, रिलोड बता देता हूँ आपको किस तरह का आएगा। देखिए आपको ये सब दिख रहा है, जो ये दिख रहा है ना, ये बेसिकली कमेंट होता है, इसको आप हटा सकते हो। ये आप ऐसे सेलेक्ट करो, इसको रिमूव कर दो, इसका कोई काम नहीं होता है। क्या होता है मैं सब कुछ बताऊंगा आपको, डोंट वरी। आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है, हैशटैग इंक्लूड stdio.h। ये क्या होता है, ये पता है, ये बेसिकली एक हेडर फाइल्स होती है। हेडर फाइल्स क्या होता है, हेडर फाइल्स वो फाइल्स होती है जिसके अंदर हमारे कुछ स्टेटमेंट जो हम लोग यूज करके एक प्रोग्राम बनाएंगे वो पहले से सेव होते हैं। अगर मैं देखो पाइथन किसको पता है, वहां पे मैं यूज करता हूँ, ठीक है, पाइथन में यूज करता हूँ मैं प्रिंट, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कुछ भी लिख रहा हूँ मैं, अगर हेलो हेलो ओके, ये पाइथन का होता है, ठीक है, ये पाइथन का होता है प्रिंट स्टेटमेंट। ये मैं इसको मैं डिफाइन तो कर नहीं रहा हूँ कि ये कहीं पे है, मैंने प्रिंट कहीं लिखा है, मैं सिर्फ जो भी उसका ये जो प्रिंट है इसका यूज करके मैं कुछ ये इसको डिस्प्ले करूंगा मैं। सेम इसी तरह सी में भी आपका प्रिंट एफ होता है, प्रिंट करने के लिए प्रिंट एफ स्टेटमेंट होता है, ठीक है। और ये सी में इस तरह कोई चीज नहीं होता है मेन करके, ये कर ले ओपन ब्रेसेस ये क्लोज ब्रेसेस ये नहीं होता है, लेकिन आप ध्यान दीजिए कि ये आपका मैंडेटरी है, सी में ये मैंडेटरी है। ये क्यों होता है मैं आपको बताऊंगा अभी, डोंट वरी। पहले मैं इसको आपको रन करके बताता हूँ। यहाँ पे जब मैं क्लिक करूंगा रन में तो अच्छा ओके रिटर्न जीरो, यहाँ पे सेमी कॉलन मिसिंग है, यहाँ पे जरूरी है। एक भी स्टेटमेंट आप लिख रहे हो ना तो उसको आपको टर्मिनेट करने के लिए सेमी कॉलन का यूज करना पड़ेगा। पाइथन में आप ये यूज नहीं करते हो, लेकिन यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा सेमी कॉलन का। इसको मैं रन करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे आएगा हेलो वर्ल्ड करके प्रिंट हो गया यहाँ पे, ये दिख रहा है आपको? Yes, ये दिख रहा है, yes, yes. हो गया। और अगर मैं यहाँ पे चेंज करूं, इसमें अगर मैं लिखूं वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग, अगर मैं लिखूं यहाँ पे इसको फिर रन करूं तो फिर देखो यहाँ पे प्रिंट हो गया वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग। मतलब यहाँ पे मैं जो भी दूंगा, यहाँ पे जो भी मैं लिखूंगा वो यहाँ पे डायरेक्टली कंसोल पे मेरा प्रिंट हो जाएगा, ओके। ये होता है, ये रिटर्न जीरो क्या है, मेन क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो मेन जो होता है ना, ये मेन, ये एक्चुअली जब भी प्रोग्राम है आपका एग्जीक्यूट हो रहा है तो हमेशा आपके मेन फंक्शन को खोजता है। आप यहाँ पे कितनी भी कोड लिख लो इस ब्रेसिस के बाहर, ये जो ब्रेसिस है, ये ब्रेसिस मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो ब्रेसिस है मैंने कहाँ क्या भाई, ये जो ब्रेसिस दिख रहा है ओपनिंग ब्रेसिस, ठीक है, इसके पहले आप कुछ भी यूज कर रहे हो, एक मिनट, ये आपका ओपनिंग ब्रेसिस है, इसको हम लोग बोलते हैं ओपनिंग ब्रेसिस। जो भी हम लोग कोड लिखेंगे ना ये इसके अंदर ही लिखेंगे, ये ओपनिंग, हर एक ओपनिंग ब्रेसिस का एक क्लोजिंग ब्रेसिस होगा। किसी को HTML पता है? HTML में ओपनिंग टैग लिखते हो ना HTML, ठीक है, ये ओपनिंग और क्लोजिंग करते हो ना तभी ये पता चलता है कि ये टैग है। सेम इसी तरह होता है इसमें भी आपका, ओके, ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है, इसी के अंदर सारा कुछ रहता है। तो अब मैं जाता हूँ मेन की तरफ। देखिए आपका जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करो तो हमेशा आपका मेन फंक्शन खोजेगा। ये क्या, इसको हम लोग फंक्शन बोलते हैं, वो आके मैं आपको बताऊंगा कि फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, बहुत ही मस्त कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बहुत मजा आएगा आप लोग को पढ़ के। आपका देखिए यहाँ पे मेन फंक्शन कभी भी आपका एग्जीक्यूट होगा तो पहले मेन फंक्शन आएगा, मेन फंक्शन के अंदर फिर ब्रेसिस के अंदर आएगा प्रोग्राम, फिर इसके बाद जितनी भी लाइन है वो आपको रीड करने लगेगा कि ठीक है ये लाइन है, अब ये लाइन है, ये लाइन है। ये रिटर्न मैंने इसलिए किया है, ये आइडेंटिफिकेशन है ये कंपाइलर के लिए कि हाँ टर्मिनेट हो चुका है सक्सेसफुली। जब मेरा लास्ट स्टेटमेंट पहुंच गया मेरा प्रोग्राम, लेट्स से अगर प्रोग्राम के अंदर मैं करके यहाँ पे, लेट्स से यहाँ पे कई सारे स्टेटमेंट है, ठीक है, ये ओके, अभी ये क्या है आपको जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता दूंगा सारा ये सब क्या, लेट्स से इतनी सारी स्टेटमेंट है मेरे पास, ओके। तो अगर मेरा प्रोग्राम यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पे मेरे प्रोग्राम में कोई दिक्कत है। यहाँ पे ये रिटर्न जीरो मतलब कि जीरो उसको रिटर्न नहीं कर पा रहा है, कहीं दिक्कत है, वो मेरा फेल हो जा रहा है, रास्ते में कहीं रुक जा रहा है प्रोग्राम। अगर मेरा हो सकता है कि इस लाइन में दिक्कत हो, इस लाइन में हो सकता है यहाँ फेल हो जा रहा है मेरा, या तो मेरा इस लाइन में दिक्कत हो यहाँ फेल हो जा रहा है, या तो मेरा इधर ही दिक्कत हो यहाँ फेल हो जा रहा है, तो इसलिए रिटर्न यूज होता है, ठीक है। रिटर्न का और भी बहुत सारा यूज है, जब मैं आपको फंक्शंस बताऊंगा ना तब आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो अभी मैंने ये जो बताया इसको आपको समझ में आ गया सब, ये क्या है, ठीक है। तो अगर मेरे को यहाँ पे लिखना हुआ, अगर मेरे को अपना प्रिंट करना हुआ अपना नाम, तो मैं क्या करूंगा, कोई मुझे कोड बताए क्या करूंगा, मैं कहाँ क्या चेंज करूंगा इस प्रोग्राम में? यस सर,
दिव्यांशी बताओ, आपका नाम अगर प्रिंट करना है तो यहाँ पे मैं क्या चेंज करूँ, कहाँ पे? सर बस वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग की जगह मेरा नाम लिख देंगे और फिर सर प्रिंट कर देंगे और फिर सर रन पे जाएंगे तो वो चेंज हो जाएगा। रन करूंगा तो ये चेंज नहीं होगा, एक्चुअली ये प्रिंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंट। ये प्रिंट स्टेटमेंट है, प्रिंट फंक्शन बोलते हैं हम लोग से, ठीक है? ये प्रिंट, प्रिंट एफ लिखा है ना, ये प्रिंट फंक्शन इसे हम लोग बोलते हैं। एक्चुअली इसका नाम प्रिंट फंक्शन नहीं होता है, ये आपको मैं आगे टेंट पे बताऊंगा। ये इसको हम लोग प्रिंट फंक्शन बोलते हैं। बेसिकली हम लोग अभी समझेंगे कि इसको हम लोग प्रिंट फंक्शन बोल रहे हैं। ये हम लोग का स्टेटमेंट जो भी इसके अंदर मैं लिखूंगा इसको प्रिंट करेगा। ओके अगर ओके मैं एक चीज आपको बताता हूँ, इंटीजर ए इज इक्वल टू 10, ठीक है? इंटीजर क्या है ये आपको मैं बताऊंगा जब डेटा टाइप बताऊंगा। अगर ये 10 वैल्यू को मेरे को प्रिंट करना है तो मैं क्या करूंगा बताओ, कहाँ चेंज करूं मैं, क्या चेंज करूं? सर ए लिखेंगे ब्रैकेट में, प्रिंट लिखेंगे, अरे 10 लिख देंगे सर, क्या लिख दूं? सही है, यस सर, शायद सही है, सही नहीं पता सर, सही है ये गलत है एक्चुअली, वहां पे नहीं, ये वेरिएबल है ना, एक ये ए तो एक वेरिएबल है, वेरिएबल क्या होता है पता है सबको, जिसकी वैल्यू वेरी हो सके, जिसकी वैल्यू चेंज हो सके वो वेरिएबल होता है ना। अभी यहाँ पे दिक्कत क्या, यहाँ पे 10 क्यों प्रिंट नहीं होगा, मैं आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ। ओके रन करूंगा तो यहाँ पे 10 नहीं प्रिंट हो रहा, यहाँ पे ए प्रिंट हो रहा है, ए क्यों प्रिंट हो रहा है भाई, कहाँ दिक्कत है? हाँ तो 10 क्यों नहीं प्रिंट हो रहा है, मैं तो 10 की वैल्यू, मुझे 10 प्रिंट करना है ना सर, ए की जगह 10 नंबर आएगा ना सर, वो ए जो है सर वो उसके अंदर सेमी, मतलब सर जो कोटेशन मार्क होता है ऊपर वाला उसमें आप लिखिए। एग्जैक्टली कोटेशन के अंदर हम लोग जो भी लिखते हैं, जो ना जो डबल से कोटेशन है ये इसको स्ट्रिंग की तरह कंसीडर किया जाता है, ये कोई वैल्यू को कंसीडर नहीं किया जाता है। इसके अंदर आप जो भी टाइप कर रहे हैं ये सिंपल इसको डायरेक्टली उठा के प्रिंट कर देगा, ठीक है? ये आपका कोई वैल्यू कोई वेरिएबल को रीड नहीं करेगा। अगर आपको कोई वेरिएबल रीड करना है ना तो अगर देखिए इंटीजर टाइप का है, ठीक है? इंटीजर मतलब कि इंटीजर वैल्यू को स्टोर करेगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ये आप लोगों को पता होगा नंबर सिस्टम, नंबर पढ़ा होगा आपने, है ना? इंटीजर क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, यस, है ना? ओके तो ये बस वही इंटीजर है। डेटा टाइप क्या होता है मैं आपको सब बताऊंगा, डोंट वरी। अभी अगर आपको इंटीजर ये ए मैंने क्यों दिखाया नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं मैं बताऊंगा। देखिए इंटीजर टाइप का है ना तो इसका एक एस्केप सीक्वेंस होता है, ये परसेंटाइल डी दिख रहा हूं मैं ना, इसको बोलते हैं हम लोग एस्केप सीक्वेंस। ये बेसिकली हम लोग को बताता है कि हम लोग को किस तरह की वैल्यू को प्रिंट करना है और हम लोग को क्या वेरिएबल प्रिंट करना है। यहाँ में कॉमा लिख के हम लोग ए लिखेंगे, ठीक है? कि मतलब कि हम लोग ए के अंदर जो भी वैल्यू है, इसका मतलब क्या है यहाँ पे, क्या ये परसेंटाइल डी क्या है, इसका मतलब है कि मेरे को इंटीजर की वैल्यू प्रिंट करना है, परसेंटाइल डी इंटीजर के वजह, या तो मैं परसेंटाइल आई भी लिख सकता हूँ, ठीक है? तो भी प्रिंट करेगा इंटीजर के लिए। ओके ये मतलब ये बता रहा है मुझे कि मैं आई की वैल्यू, मतलब इंटीजर टाइप की वैल्यू को मेरे को प्रिंट करना है और वैल्यू क्या है, कॉमा देकर के मैंने ए लिख दिया। ये वेरिएबल है, इसके अंदर जो वैल्यू है उसको सिंपल मेरे को प्रिंट करना है। अगर मैं रन करूंगा तो देखो क्या आउटपुट आता है, 10 आ गया मेरा, है आ गया, यस। अब मैं अगर इसको 20 लिखता हूं तो क्या आएगा आउटपुट बताओ, 20 आएगा। ओके अब अगर मैं चाहता हूं कि मेरे को ओके अब मैं आपको एक और बताता हूँ, मैं एक और वेरिएबल बताता हूँ, इंटीजर बी, ठीक है? इसमें मैं 10 स्टोर कर देता हूँ। अगर मेरे को b की वैल्यू प्रिंट करनी है तो मेरे को कहाँ चेंज करना होगा ये बताइए। So on the place of a we have to write b. बस सिंपल यहाँ b लिख देंगे, या मेरे को b की वैल्यू प्रिंट करेगा 10, अब देख रहे हो 10 प्रिंट करेगा। अगर मेरे को इन दोनों का एडिशन प्रिंट करना हो तो मैं क्या करूँ? So we will move in the next line and we write one more integer c which is equal to a plus b. C is equal to a plus b, right? ओके अब यहाँ पे मैं सी प्रिंट कर दूंगा, तो सी में क्या आउटपुट आना चाहिए मेरा? सर 30 और आएगा भी 30, ठीक है? यस इस तरह हो रहा है। अब यहाँ पे ये प्लस क्यों लिखा है, ये क्या है, ये आपको पता है एडिशन कर रहे हैं। इस तरह जितना भी देख रहे हो ना इंटीजर देख रहे हो, ये डेटा टाइप है, ये देख रहे हो इसको हम लोग कॉन्स्टेंट बोलते हैं, ये एक वैल्यू है, कॉन्स्टेंट वैल्यू हम लोग दे रहे हैं, ये कॉन्स्टेंट है, ठीक है? ये चेंज नहीं कर रहे हैं हम लोग। अब ये देखो हम लोग कहीं प्रोग्राम में ए को वापस चेंज कर रहे हैं, कहीं चेंज नहीं कर रहे हैं ना, आप ए की वैल्यू तो एक बार स्टोर हो चुकी है ना, इसको हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं तो इसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। आप लोग रफ में लिखते जाओ तब चीजें, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको का बेसिक्स क्लियर होगा ना तो आप लोग एडवांस प्रोग्रामिंग बहुत इजीली कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आप लोग को। तो इसको रफ में लिखते जाओ, ठीक है? सब लोग लिख रहे हो?
तो ये जो वैल्यू है इसमें असाइन हुआ है, इसको हम लोग कॉन्स्टेंट बोलते हैं, इसलिए कॉन्स्टेंट बोल रहे हैं क्योंकि ये वैल्यू कहीं हमारी चेंज नहीं हो रही है, इस बी की वैल्यू में बी में कहीं और कुछ दूसरा स्टोर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, इसको इसलिए हम लोग उसको कॉन्स्टेंट बोलते हैं। और यहाँ सी में क्या है, सी सी भी एक वेरिएबल है, इसमें ए प्लस बी कर रहे हैं हम लोग, ए मतलब कि ए के अंदर जो वैल्यू है और बी के अंदर जो वैल्यू है उन दोनों को मैं एडिशन करके सी में स्टोर कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये जो ये देख रहे हो इक्वल टू ना, ये इसको बोलते हैं हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है, ये होता है आप तुम्हारा, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर, इसको हम लोग बोलते हैं एडिशन अरिथमेटिक ऑपरेटर, ये एडिशन है मतलब अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है। अगर मैं यहाँ पे माइनस लिखूं तो क्या आएगा आंसर, 10 exactly. अगर मैं मल्टीप्लाई लिखूं तो क्या आएगा, 200 ओके okay. अगर मैं डिवाइड लिखूं तो क्या आएगा, 2 एग्जैक्टली, इसलिए ठीक है, ये चार बेसिक ऑपरेशन आपने सीख लिया, कैसे हो रहे हैं प्रोग्रामिंग में, कैसे बन रहे हैं, ये समझ में आ गया ना, yes. समझ में आ गया। तो बेसिकली ये एक प्रोग्राम स्ट्रक्चर है, ये इंटीजर देख रहे हैं आप, इंक्लूड कर रहे हैं आप stdio.h, ये std सर अगर हम लोग को ये चीज सर अगर स्मार्ट मोबाइल फोन में सर करना है तो कैसे करेंगे। हाँ, मोबाइल में मैंने एप्लीकेशन आपको बताया ना, cx exploit करके एप्लीकेशन है, ठीक है, आप उसको गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना, या तो फिर मैं आपको उसका हैक्ड वर्जन दे दूंगा जिसमें आपको जिसमें आप सब कुछ कर सकते हो, पर वो एप्लीकेशन के बहुत सारे फीचर्स हैं, आप लोग सब कुछ यूज कर सकते हो, या तो डायरेक्टली आप गूगल प्ले स्टोर पे जाओ CX Android इंस्टॉल कर लो। सर जब वो सर एप्लीकेशन पे जाएंगे तो सर ऐसा ओपन हो जाएगा। हाँ, अपने आप इस तरह का टर्मिनल आ जाएगा, ठीक है, आप वहाँ पे सिंपल इस तरह का कोड लिखोगे, रन करोगे, सब रन होगा, ओके। तो अगर मैं आप लोग को बोलूं कि आप एक काम करो, आप मुझे एक बनाओ, कोई दो नंबर को मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करूं, मैं को एक प्रोग्राम बनाओ कि कोई भी नंबर है मेरा, अगर लेट से मेरा 20 है, उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करके फिर 2 से डिवाइड करूं, उसका प्रोग्राम बताओ आप लोग मुझे, कैसे मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा, सिर्फ इतनी जो कुछ कोड है ना, जो ये आप ये इंट मेन वगैरह छोड़ो अभी, खाली इतना बताओ कि यहाँ पे मेरे को क्या चेंजेस करना पड़ेगा, कि मैं एक कोई भी एक नंबर लेता हूँ 2, ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ एक काम, ओके। अब मैं एक नंबर लेना है मुझे, कोई भी वेरिएबल में स्टोर करना है मुझे 20, ओके, उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा फिर 2 से डिवाइड करूंगा, तो वो किस तरह करूंगा, क्या लिखना पड़ेगा मुझे बताए, और उसको मुझे प्रिंट भी करना है। एक्सक्यूज मी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक दीस 2 नंबर्स एज वेरिएबल, ओके, बताइए मैं क्या लिखूं, आप जो बोलो। सर फर्स्ट ऑफ ऑल int a इज इक्वल टू 2 20 Int c is equal to 2 into 20 a into b. Okay, very good. So then if we want to print this, then print f then bracket and inverted comma, then inside the inverted comma we will write the c. Yes. Correct. Yes, sir. Semicolon. Will it print? Can you print over? Yes, sir. You are safe print कर रहे हैं? No, sir. Sir, first. बोले करेट कीजिए आप लोग. Semicolon नहीं होगा. Sir, in semicolon, sir, percentage I. Percentile. इसको percentile बोलते हैं. Yes, sir. Percentile D. डी या आई, हाँ कुछ भी लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं, इंटीजर है तो अब क्या करूं, सो देन सी लिख दूं, सही है, yes. अभी भी एक चीज गड़बड़ है इसमें, एक चीज मिसिंग है, कॉमा एंड देन सी, कॉमा एंड देन सी, करेक्ट, इस तरह होगा, ये ओटी प्रिंट कर दिया इसने, सही आ रहा आंसर, ठीक है। अब एक चीज आप और देखो, इंस्टेड ऑफ दिस अगर इसको मैं हटा दूं पूरा, ओके, अगर मैं यहां पे लिखूं सर एक ब्रैकेट में,
20 × 2 क्या आउटपुट आएगा? आउटपुट आएगा 40 कि नहीं आएगा? आएगा, आ रहा है 40 आंसर, करेक्ट आ रहा है। तो अगर मुझे पता हो कि वैल्यू क्या है तो मुझे जरूरत नहीं है वेरिएबल का, मैं डायरेक्टली ऐसे भी कर सकता हूँ। आप लोग समझ में आया मैं क्या बोला? कि अगर मुझे पता कि वैल्यू क्या है, अगर प्रोग्राम को पता हो कि क्या है वैल्यू, तो फिर मैं मुझे जरूरत नहीं है इसके लिए इसको करने की, मैं डायरेक्टली वैल्यू भी लिख सकता हूँ। अगर मुझे कुछ यूजर से इनपुट लेना है फिर मुझे कुछ उसमें कैलकुलेशन परफॉर्म करना है तो मुझे वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मुझे कोई ऐसी जगह चाहिए जहां मेरे को स्टोर करना है, उसके बाद ही मैं एग्जीक्यूट कर पाऊंगा, उसके बाद ही मैं कुछ भी उसमें कैलकुलेशन परफॉर्म कर पाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन, अगेन इंट बी इक्वल्स टू 100 नेक्स्ट सेमीकोलन then okay. int int again after then c c okay is equals to 40. a plus d a plus b yes sir sir yes sir all of you did the same yes sir yes sir this is correct yes sir okay let's see sir, the output yes sir a plus b agar bracket mein rahega to run nahi karega kya kis tarah bol rahe ho aap screen pe likh ke batao screen pe likh ke bataiye bilkul run karega koi issue nahi hai ye kis liye bracket use hai kya hai main aapko sab bataunga don't worry abhi bahut bahut hi bada concept hai abhi to aapko maine simple bataya hai okay main sab aapko bataunga don't worry okay sabka yahi answer hai sabne yahi likha hai yes sir हाँ तो माइनस के लिए मैं यहाँ से सिंबल चेंज कर दूंगा सेम ऐसे ऑपरेशन अदर ऑपरेशन के लिए। अब सेकंड क्वेश्चन क्या था सर? सर एक डाउट है पूछो पूछो सर, मतलब जैसे सी में हम लोग ए इंटू बी कर दिए फिर डी में इंट डी इज इक्वल टू ए प्लस बी और मतलब सारा ऑपरेशन एक ही में लगाकर प्रिंट 4 बार कर देंगे तो रन करेगा? बिल्कुल करेगा, आपको करना चाहिए था एक्सपेरिमेंट, आप एक्सपेरिमेंट करते रहो। अब यहाँ पे a माइनस बी कर दिए ओके, उसके बाद में int e इज इक्वल टू आप a इंटू बी कर दिए ओके, और int f इक्वल टू a डिवाइड बाय d कर दिए, बिल्कुल रन करेगा, सारा उसमें स्टोर होगा। अब आप यहाँ पे लिखेंगे फिर दूसरा प्रिंट एफ लिख देंगे ओके, यहाँ पे फिर वैल्यू लिख देंगे सेम इस तरह, और दूसरा प्रिंट एफ लिख देंगे सेम वैल्यू प्रिंट करा देंगे इस तरह। अब देखिए आप इतना सारा प्रिंटअप लिख रहे हो तो मैं आपको एक शॉर्ट में एक बताता हूँ, आपको इतना सारा प्रिंटअप लिखने की जरूरत नहीं, आप एक ही प्रिंटअप में सारा काम कर सकते हो। किस तरह? ये आपने सी की वैल्यू प्रिंट करी है, एक वैल्यू प्रिंट करी है, ये देखिए जो सी दिख रहा है आपको, एक मिनट यस सर, ये आपको सी दिख रहा है ना, ये जो सी है मैंने लिखा है मैंने ये लिखा है प्रिंट एफ ओके, प्रिंट एफ यहाँ पे मैंने लिखा है परसेंटाइल आई, उसके बाद मैंने क्लोज किया या कॉमा सी लिखा है। तब इसका मतलब देखिए, ये जो सी है ना ये इसको रिलेट कर रहा है, ठीक है। सी क्या बोल रहा है कि सी के अंदर जो वैल्यू है उसको मेरे को आई परसेंटाइल आई मतलब कि इंटीजर टाइप की वो वैल्यू है उसको मेरे को प्रिंट करना है, और अगर यहाँ मुझे मल्टीपल वैल्यूज प्रिंट करानी है तो मैं क्या करूंगा, आप सिंपल स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक वैल्यू के लिए ये सी के लिए हो गया, मैंने सी के अंदर जो वैल्यू है इसके लिए मैंने लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे एक और लगा दूंगा परसेंटाइल आई और परसेंटाइल आई ओके, यहाँ पे मैं सारी वैल्यू प्रिंट कर दूंगा कॉमा डी कॉमा ई कॉमा एफ, अब यहाँ पे सारा कुछ प्रिंट करेगा। अब देखिए ये जो आपका एक सी है, एक सी इसको करस्पॉन्ड करेगा इसको, ये डी इसको करेगा, ई इसको करेगा, एफ इसको करेगा ओके, इस तरह एक एक दूसरे को एक एक को लाइन से करस्पॉन्ड करेंगे तो ये इस तरह वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब मैं रन करा के दिखाऊं, मैं इसको इरेज कर देता हूं स्क्रीन पे से, देखिए क्या आउटपुट आ रहा है। पहले सी में क्या शो हो रहा है, ए प्लस बी 150 करेक्ट है, फिर क्या है डी में क्या, ए माइनस बी 50 माइनस 100 इज इक्वल टू माइनस 50 करेक्ट है, ई में क्या है ए इंटू बी मीन्स 100 इंटू 50 इज इक्वल टू 5000 बिल्कुल करेक्ट है ए अपॉन बी। अभी यहाँ पे ये बताया आप जीरो क्यों आ रहा है,
कोई बता सकता है जीरो क्यों आ रहा है? यस सर, जो 1/2 है सर वो फ्लोट की वैल्यू है, 0.5 उसकी जो वैल्यू है वो उसपे नहीं आती है, माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी के बीच वो आपके फ्लोट फ्लोट वैल्यू नहीं लेता है, वो आपको आपके हमेशा वैल्यू को वो सीन कर सॉरी फ्लोर कर देता है, ठीक है? अगर आपका 0.5 है तो 0 दिखाएगा, अगर आपका 1.5 है तो 1 दिखाएगा, इंटीजर का ये काम होता है। अभी डेटा टाइप क्या है वो सब मैं आपको बताऊंगा, ओके? तो दूसरा क्वेश्चन क्या था मेरा, चलिए बताए आप प्रियांशी, आप बताइए। यस सर, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट योर नेम ट्वाइस। क्या करूं मैं यहां पे चेंज, व्हाट इफ इफ आई वांट टू चेंज द लाइन इंस्टेड ऑफ दिस कॉमा एंड स्पेस आई वांट टू चेंज द लाइन, व्हाट वी हैव टू डू? सिंपल, देयर इज अ sequence character which we call as escape sequence, okay, that forward slash and n, that will simply means the change the line, okay? If I print that, then what will it print? Let's see, Priyanshi and Priyanshi, okay? After Priyanshi printing, it will changing the line, then a space, then Priyanshi, then here the same thing is happening here. So aap logo ko pata chala ki yahan pe iska kya matlab hai, slash n ka, forward slash n ka, ओके? पता चल गया आप लोगों को ना? यस सर। हाँ, तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि कंपाइलर क्या होता है, ठीक है? क्योंकि आप ये जो कोड आप रन पे क्लिक कर रहे हो तो यहाँ पे कुछ हो रहा है काम, वो बैकएंड में कुछ हो रहा है, वो क्या हो रहा है वो मैं आपको बताता हूँ, ओके? मैं अपने स्क्रीन शेयर करता हूँ, ओके? देखिए कंपाइलर क्या होता है, आप जब भी कोई भी कोड रन कर रहे हो, लेट से आपने यहाँ लिखा है इंट मेन, ये कोड लिखा है आपने, यहाँ पे ब्रेसेस के अंदर कुछ लाइन ऑफ कोड है, स्टेटमेंट्स है, आपने क्लोज कर दिया है, तो जब कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर सबसे पहले आता है इस प्रोग्राम पे, सबसे पहले प्रोग्राम में खोजेगा आपको मेन फंक्शन, ये मेन्स को बोलते हैं हम लोग मेन फंक्शन, ये खोजेगा मेन फंक्शन कहाँ पे है मेरा प्रोग्राम, जैसे उसको मेन फंक्शन मिलेगा यहाँ फर्स्ट लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट करेगा, सेकंड लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट करेगा, थर्ड लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट करेगा, फोर्थ लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट करेगा, ये ऐसे लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता जाएगा, और अगर कोई एरर होती है, ठीक है, अगर कोई एरर होती है तो सबसे पहले क्या करता है, सबसे ये स्कैन किया, ये लाइन स्कैन किया, ये स्कैन किया, ये स्कैन किया, लेट से ये मेरा लास्ट लाइन है, ठीक है, 1 2 3 4 5 दिस इज लास्ट लाइन, तो सबसे पहले जब जैसे फिफ्थ लाइन पे यहाँ एंड में पहुंच गया, यहाँ पे एकदम यहाँ पे पहुंच गया, तो ये क्या करेगा कि अगर कोई एरर हुआ तो वो एरर डिस्प्ले कर देगा यूजर को, कि यूजर को डिस्प्ले करेगा कि ये एरर है, क्या एरर है वो आपको डिस्प्ले कर देगा कि ये एरर है, क्या आपने वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया है या फिर कुछ और एरर है, या जो भी कोई भी एरर है वो आपको डिस्प्ले कर देगा, ये एक बार पूरा स्कैन करने के बाद, ठीक है, पूरा प्रोग्राम आपका स्कैन करेगा, जो भी मेन फंक्शन होगा वो पूरा स्कैन करेगा आपको, उसके बाद आपको एरर डिस्प्ले करेगा, और अगर कोई एरर नहीं हुआ तो क्या काम करेगा ये, तो मैं यहाँ पे हटाता हूँ, अगर कोई एरर नहीं है तो ये एक जनरेट करेगा, एक ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करेगा, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करता है जिसके अंदर हमारी असेंबली लैंग्वेज होती है, ठीक है? अब ये किस तरह करता है कंपाइलर, ये काम किस तरह करता है, ये एक्चुअली प्रोग्रामिंग का पार्ट नहीं है, इसका एक पूरा सब्जेक्ट आता है कंपाइलर डिजाइन करके, कि कैसे कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है? तो वो अलग पार्ट है, वो आप लोग जब तब पढ़ोगे, जब कोई आप अंडरग्रेड डेज में होगे अपने, या फिर ग्रेजुएशन कर रहे होगे तब पढ़ोगे, अभी नहीं पढ़ पाओगे, अगर अभी मैंने आपको बताया भी तो आप लोग समझ नहीं पाओगे, ट्रस्ट नहीं, मैंने अपनी खुद की एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई है पर वो इतनी बुरी थी कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है? तो होता है इसको बोलते हैं हम लोग कंपाइलर डिजाइन, की कैसे अंदर काम कर रहा है वो कंपाइलर डिजाइन होता है, लेकिन कंपाइलर बेसिकली करता क्या है कि आपका जो कोड है, लेट से इसको मैं वापस पूरा इरेज करता हूँ, ये आपकी एक फाइल है, इसमें आपने कोड लिखा हुआ है, डॉट सी नाम से सेव किया आपने, ठीक है, फाइल नेम लेट से ए डॉट सी नाम से सेव किया है, तो ये क्या होता है, ये कंपाइलर के पास जाता है, कंपाइलर के पास गया, अब कंपाइलर कुछ इस तरह सेटिंग का मैं सिंबल बनाया हूँ, इस तरह होता है कंपाइलर क्या करता है, इस पूरा कोड को स्कैन करता है, अगर कोई एरर होता है तो डिस्प्ले करता है, अगर एरर नहीं हुआ तो फिर ये एक ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट कोड, या तो फिर आप अभी समझिए कि इंटरमीडिएट कोड जनरेट करता है, इंटरमीडिएट क्या होता है आपको पता है, इंटरमीडिएट किसी को पता है इंटरमीडिएट क्या होता है, लेट से ये आप हो, ठीक है, ए आपको पहुंचना है लेट से डी के पास, ओके, ये डी है, आपको इसके पास पहुंचना है, अब कहाँ से जाओगे आप, लेट से डी के यहाँ पे बी है बीच में, या बी या सी है, ठीक है, तो ये बी और सी आपके लिए, ये ए के लिए इंटरमीडिएट है, ये डी पे पहुंचने के लिए, ये ए डायरेक्टली नहीं पहुंच सकता, इसको इधर से जाना पड़ेगा, फिर बी से सी के पास जाएगा, सी से फिर यहाँ पे जाएगा, तो ये आपका इंटरमीडिएट होता है, ठीक है, तो यही कंपाइलर भी करता है, कंपाइलर एक क्या काम करता है, आपका इंटरमीडिएट कोड जनरेट करता है,
और वो कोड से फिर क्या होता है, कुछ लाइब्रेरीज जो होती है ना वो लिंक होती है। लेट्स से यहाँ मेरा ये कोड इंटरमीडियरी कोड आईसी लिख दिया मैंने, इसको इंटरमीडियरी कोड जनरेट किया। पीजे क्या करता है, जो भी लाइब्रेरीज हमने यूज करी है, जैसे मैंने लिखा था ना हैज इंक्लूड इंक्लूड stdio.h stdio.h है ना, ये लिखा था मैंने, नोटिस करा आपने, आपने बनाया होगा तो आपने भी लिखा होगा है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो ये क्या होता है, stdio.h एक फाइल है, ठीक है, वो आपके सी का जब आप कंपाइलर इंस्टॉल करोगे अपने कंप्यूटर में उसके अंदर ये फाइल होती है। और इस फाइल के अंदर क्या होता है कि जो भी आपके प्रोग्राम को रन कराने के लिए प्रिंट एफ लिख रहे हो, आप इंटीजर लिख रहे हो, ठीक है, उसकी उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पहले से स्टोर होती है। तो यहाँ पे इंटरमीडियरी कोड जनरेट किया इसको करने के बाद, फिर ये क्या करेगा, ये रिक्वेस्ट करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम से आपको कि मुझे ये फाइल्स दीजिए, आप ये जो फाइल है stdio.h इसको आप मुझे दीजिए ताकि मैं लिंक करूंगा। जब मैं लिंक करूंगा तभी मुझे डेफिनेशन मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ पे सारे डेफिनेशन सेट है कि ये इंटीजर क्या होता है, कि किस तरह इसको प्रोसेस करना है, किस तरह मुझे ऐड करना है, सारा कुछ सेट है उसे, ठीक है। तो ये इंटरमीडिएट कोड ऑपरेटिंग सिस्टम से रिक्वेस्ट करेगा कि आप मुझे ये इसकी फाइल दीजिए, तो फिर ये फाइल ऑपरेटिंग सिस्टम इसको प्रोवाइड करेगा, और उसके बाद फिर ये उस बेसिस पे एग्जीक्यूट करेगा, एक बनाएगा .exe फाइल को, इसको बोलते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल। आपने देखा होगा अगर लैपटॉप यूज करते हो ज्यादा तो आपको पता होगा .exe फाइल होती है, ये एक एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाएगा और फिर ये एग्जीक्यूटेबल फाइल आपके कंप्यूटर पर रन करेगा, ठीक है। और ये एग्जीक्यूटेबल फाइल पर्टिकुलरली आपके सिस्टम के लिए बाइंड होगी, आपने लेट से अगर अपने लैपटॉप पे, अपने अगर अपने मोबाइल पे, अपने लैपटॉप पे अगर उसको क्या बोलते हैं कंपाइल करा, आपका ये जनरेट हुआ, ठीक है, तो फिर ये आपके सिर्फ लैपटॉप पे ही रन करेगा, किसी और सिस्टम पे आप रन कराएंगे तो रन नहीं करेगा, क्योंकि आपके पर्टिकुलर सिस्टम के आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग डिजाइन हुआ होता है। समझ में आ गया कंपाइलर क्या होता है, कि कैसे काम करता है कंपाइलर, कोई डाउट? सर एक बार शॉर्ट फॉर्म में रिपीट कर दीजिए। ओके, लेट्स से मैंने कुछ लाइन ऑफ कोड लिखा है, ठीक है, उसको मैंने सेव कर दिया एक फाइल में a.c नाम से। वो अब जब मैंने जैसे ही मैंने रन पे क्लिक किया तो ये कंपाइल करता है, और कंपाइल क्या होता है, आपका जो जो भी कोड होता है उसको मशीन एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। आपने जो देखा है वहां पे int main लिखा है, a is equal to something कुछ लिखा है, वो तो मशीन जो आपका सीपीयू है वो रीड नहीं कर पाएगा ना, उसको क्या पता a क्या होता है, ये क्या होता है, वो तो सिर्फ 1010 समझता है, सिर्फ करंट फॉर्म समझता है, 1010 वैल्यू समझेगा, वो 10110 जितनी भी बाइनरी है सिर्फ यही समझेगा। तो उसको कन्वर्ट करने का काम एक कंपाइलर करता है, कंपाइलर एक इंटरमीडिएट कोड जनरेट करता है जिसके बेसिस पे जो भी फाइल्स मारी है और जो एडिशनल फाइल्स हमने यूज करा है अपने प्रोग्राम में उसको वो लिंक करता है पहले इंटरमीडियरी कोड, उसके बाद एक एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट करता है जो कि मशीन लेवल कोड होता है, वो हमारे सिस्टम पे रन होता है। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, क्योंकि हमने तो लिखा है INTA, ठीक है, हमने मान लो लिखा, तो हमें सीपीयू को क्या पता किसका क्या मतलब है, सीपीयू कुछ नहीं पता, सीपीयू सिर्फ 1010 समझेगा, सिर्फ करंट समझेगा, वो करंट फॉर्म में समझेगा, बाइनरी एडिशन करना, बाइनरी मल्टीप्लीकेशन। देखिए सीपीयू सिंपली कुछ ऑपरेशन, सिंपल ऑपरेशन जैसे एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, शिफ्ट करना, बिट को शिफ्ट करना, ये सब काम करता है, ठीक है। मैं आपको आने वाले टाइम में बता दूंगा कि कैसे शिफ्ट होता है, शिफ्ट करने का मतलब क्या होता है, और बाइनरी एडिशन किस तरह होती है, अगर दो नंबर दिया है तो उसको आप ऐड कैसे करते हो बाइनरी में, सब कुछ आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। सो अभी आप कंपाइलर समझो बेसिक से क्या होता है, समझ में आ गया आपको? यस सर। रिपीट करना है मुझे तो फिर बता दीजिए, मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ कि समझ में आ गया पक्का। सर वन क्वेश्चन। पूछो पूछो, बिल्कुल पूछो, कोई भी क्वेश्चन हो तुरंत पूछो। सर जैसे जो आपने ऐप बताया था सर CXX ड्रॉइड, सर अगर उसमें सर प्रिंट ऐप करकर अगर हमें किसी पिक्चर को प्रिंट करना है तो सर पिक्चर प्रिंट हो सकता है? नहीं 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 नहीं, अभी आप लोग आपका ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ रहे हो, वो सिर्फ ग्राफिक्स का पार्ट है, ठीक है, जो आप प्रिंट कर रहे हो पिक्चर वगैरह ना वो ग्राफिक्स का पार्ट है। आप सिर्फ कंसोल पे, आप सिर्फ टेक्स्ट पे काम करना सीख रहे होगे, क्योंकि आप टेक्स्ट पे काम करना सीखोगे तो वो सब आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, समझे। इसलिए आपको सिंपल बेसिक प्रोग्रामिंग पे अपना ध्यान देना है, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है जितना ज्यादा, ठीक है, जितना ज्यादा हो सके उतना प्रॉब्लम सॉल्व करना है। अब मैंने अब तक क्या बताया आपको, सिंपल वेरिएबल्स बताया, इंटीजर क्या होता है, डेटा टाइप अभी मैंने नहीं बताया, वो मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा, तो जस्ट गिव मी अ मोमेंट। तो अभी तो ये अभी तक मैंने क्या करा, अभी तक देखिए मैंने ये आपका प्रिंट करना हो जो प्रिंट करना सीखा मैंने, ये सिंपल प्रिंट करना है, और मैंने क्या किया था अभी तक, इंटीजर ए इज इक्वल टू एस इक्वल टू लेट्स से 10, ओके, अब मैंने एस को वैल्यू में प्रिंट कर रहा हूँ, ये अब ये वैल्यू जो है ये हम दे रहे हैं, ये एज अ प्रोग्रामर हम लोग सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं, तो ये हम दे रहे हैं,
अगर हम लोग चाहें कि यूजर मुझे दे इनपुट, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? ठीक है, मैंने लेट से एक प्रोग्राम बना दिया कैलकुलेटर के लिए, एडिशन के लिए टू नंबर, ठीक है, कैलकुलेटर छोड़िए, एडिशन के लिए मैंने प्रोग्राम बनाया, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे यूजर कोई भी दो नंबर दे, तो उसको मैं ऐड करके रिजल्ट उसको डिस्प्ले कर दूं, कि ये पर्टिकुलर नहीं है कि मैं जो नंबर दूं उसी का एडिशन हो, नहीं, यूजर मुझे कोई भी नंबर दे, मैं एक प्रोग्रामर हूं और यूजर मुझे कोई भी नंबर दे, उसको मुझे प्रोसेस करके ऐड करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? देखिए, उसके लिए सिंपल आपको क्या करना पड़ेगा, ये INTS आपने डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर दिया इंटीजर टाइप का, अभी आप ये समझिए कि इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, मैंने डिक्लेयर किया है, अभी ज्यादा समझिए, मैं आपको मैं डेटा टाइप बताऊंगा तो आपको पता चलेगा INT क्या है, ओके, ये बहुत ही मैं डीप एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको ये क्या होता है, तो सिंपल मैंने एस लिख दिया, ओके, अब मैं एक क्या करता हूँ, एक मैसेज प्रिंट करता हूँ यूजर को, मैं क्या मैसेज में क्या लिखूंगा, इंटर अ नंबर मैंने लिख दिया, ठीक है, और यहाँ मैंने सेमीकोलन क्लोज कर दिया और इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, तो अभी देखिए सिंपल सा एक मैसेज प्रिंट होगा मुझे यहाँ पे, देख रहे हैं इंटर अ नंबर, यहाँ पे देखिए मुझे सिंपल सा मैसेज प्रिंट हो रहा है, अभी मैं कुछ इनपुट ले नहीं सकता हूँ, क्योंकि आप देख रहे हैं ये प्रोग्राम यहाँ पे एग्जिट हो चुका है, प्रोग्राम फिनिश विद एग्जिट कोड 0, और ये वही एग्जिट कोड है यहाँ पे जो रिटर्न हो रहा है, इसका मतलब कि मेरा प्रोग्राम पूरा सक्सेसफुली टर्मिनेट हो रहा है यहाँ तक आकर के, इसलिए यहाँ पे लिखा है प्रोग्राम फिनिश विद एग्जिट कोड 0, समझ में आ गया अभी रिटर्न का मतलब, रिटर्न 0 क्यों लिखा है मैंने? यस सर, तो अभी मैंने लिखा है, ये मैंने प्रिंट कर दिया, अब मेरे को यूजर से एक इनपुट लेना है, तो उसके लिए एक फंक्शन होता है स्कैन ऐप, ठीक है, स्कैन ऐप फंक्शन होता है, जैसे प्रिंट करने के लिए प्रिंट होता है ना, कि मुझे कुछ कंसोल प्रिंट करना है तो उसके लिए प्रिंट है, तो स्कैन करने के लिए स्कैन होता है, जब कंसोल से आपको ये कंसोल होता है आपको, ठीक है, ये जो स्क्रीन है ना, ये पूरी आपकी कंसोल है, यहाँ से कुछ इनपुट मेरे को अपने प्रोग्राम में लेना है, तो उसके लिए स्कैन ऐप फंक्शन यूज होता है, ठीक है, स्कैन ऐप सेम प्रिंट ऐप की तरह ही है, मतलब ये प्रिंट नहीं करता है, स्कैन इनपुट लेता है, यहाँ पे मैं परसेंटाइल आई लिखूंगा क्या बिलोंग, और यहाँ पे लिखूंगा कॉमा और एस, इसका मतलब समझेगा, ये कोड का मतलब समझेगा, ये परसेंटाइल आई लिखा मैंने, मतलब कि मेरे को इंटीजर वैल्यू लेनी है, ठीक है, स्कैन करना है मेरे को कौन सी वैल्यू, इंटीजर वैल्यू, ठीक है, और कहाँ पे स्टोर करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है मैंने एन लिखा है एंड, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसको प्रोग्रामिंग में बोलते हैं एड्रेस ऑपरेटर, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एड्रेस ऑपरेटर, इसका सिंपली मतलब क्या है कि जो भी वैल्यू, इसका मतलब क्या है कि लेट से एक एस नाम का मेरे पास वेरिएबल है, इसके अंदर अभी कुछ भी स्टोर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैंने एस में देखिए कुछ भी लिखा नहीं, कुछ भी डाला नहीं, मतलब एक एस डिक्लेयर होकर रह चुका है, स्कैन कर रहा है, मतलब क्या है कि जो भी मतलब मान लो मेरा प्रोग्राम है, मान लो मेरी रैम है, ठीक है, रैम के अंदर मेरा ये मेमोरी मुझे अलॉट हुआ है मान लो, ठीक है, तो इसका मतलब एंड का मतलब क्या है कि जो भी वैल्यू मेरी एस में है उसको मैं एड्रेस ऑफ एंड पे, मतलब कि रैम के अंदर तो एड्रेस होगा, यहाँ पे मान लो इसका एड्रेस 100 है, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जो भी वैल्यू मुझे मिल रही है एस में, मैं इसके एड्रेस पे, एस के एड्रेस पे स्टोर कर दे रहा हूँ यहाँ पे, इसका सिंपल सा मतलब ये है, ठीक है, अभी आप सिंपल इतना जान लो, अगर मैं आगे आपको बताऊंगा आगे तो फिर आप एकदम क्लियरली समझ पाओगे कि एड्रेस क्या होता है, ये मैंने जो ये दिखाया आपको फिगर, अब इसका मतलब क्या होता है आपको आगे इजीली समझ में आ जाएगा, अभी आप सिंपल समझो कि ये मैं एड्रेस पे स्टोर करना है, ठीक है, ये वैल्यू मैं स्टोर कर रहा हूँ एड्रेस ऑफ एस पे, सिंपल समझो मतलब, ओके, समझ में आया? यस सर, यस, हाँ, ओके, तो एड्रेस ऑफ एस में मैंने स्टोर कर दिया, ओके, अब मैं इसको वैल्यू को प्रिंट करता हूँ, प्रिंट करने के लिए क्या था, वही सिंपल जैसा मैंने कल बताया था, मैंने क्या प्रिंट करना है, इंटीजर वैल्यू प्रिंट करना है, परसेंटाइल आई लिख दूं या परसेंटाइल टी लिख दूं कोई मतलब नहीं है, दोनों सेम काम करता है, और उसके बाद मैंने एस लिख दिया, एस में एस वेरिएबल है ना, एस लिख दिया, अब मैं इसको रन कराता हूँ, देखिए क्या होता है, अब देखिए मेरा प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं हो रहा है, यहाँ मेरा वेट, यहाँ पे देख रहे हैं कर्सर आपका ब्लिंक कर रहा है, यहाँ मेरा वेट कर रहा है कि यूजर मुझे कुछ इनपुट दे, ठीक है, तो मैंने इनपुट दिया यूजर को मान लो 50, ओके, 50 देके मैंने एंटर किया, देखिए तुरंत 50 प्रिंट कर दिया, इस लाइन ऑफ कोड पे आया, यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, वैल्यू यू हैव एंटर्ड इज इक्वल टू परसेंटाइल डी, एंड ये, हाँ, यहाँ पे मेरा कंसोल पे वेट कर रहा है, यहाँ पे ऐसे ही मैंने 50 दिया, तो यहाँ पे वैल्यू यू हैव एंटर्ड इज 50, यहाँ पे आ गया, देख लिया, अब पता चल गया आप लोग यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं कोई भी नंबर का, तो अगर मैं चाहूँ कि मुझे दो नंबर का एडिशन बनाना है तो मुझे क्या क्या कोड लिखना पड़ेगा, मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, पहले आपको बता देता हूँ उसके बाद आप कर लेना, ठीक है, एक मिनट, हाँ, राइट, इंटर फर्स्ट नंबर, उसके बाद मैंने नंबर को स्टोर करा लिया, फिर मैं लिख देता हूँ सेम प्रिंट एफ इंटर सेकेंड नंबर
और यहाँ पे मैं इसको स्कैन कर लेता हूँ, परसेंटाइल डी या परसेंटाइल आई भी लिख सकते हो, कॉमा एंड एड्रेस ऑफ बी। ओके अभी देखिए मैंने ए और बी वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया, यहाँ पे मैं ए और बी वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, एस की जगह मैं यहाँ पे ए और बी वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। देखिए वेरिएबल डिक्लेयर करना जरूरी है, नहीं तो उसको पता ही चलेगा किस टाइप का वेरिएबल है, कहाँ पे मेरे को स्टोर करना है। ठीक है, जब देखिए इसका मतलब क्या है, जब आप ये आपका मान लो रैम है आपका, लेट से ये आपका लेट से रैम है, अगर इसमें आपने कोई स्पेस दिया ही नहीं है जिसमें ए हो या फिर जिसमें बी हो, तो आप कैसे यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन कर सकते हो, इधर इधर कैसे उसमें वैल्यू स्टोर कर सकते हो, नहीं ना कर सकते हो। इसीलिए इसका मतलब ये होता है कि आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, आपको एक जगह बनानी पड़ेगी अपने रैम के अंदर, अपने मेमोरी के अंदर, कि जिसमें आप कोई वैल्यू स्टोर कर सको। ओके, सिंपल सा मीनिंग ये है, इसलिए मैंने वेरिएबल डिक्लेयर करा है। अब मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। ओके अच्छा, हाँ अभी तो मैंने सिर्फ इनपुट लिया, इसको मैंने प्रोसेस भी करना है ना। मैंने एक वेरिएबल लिया आई एन टी सी नाम का, उसमें क्या असाइन कर दूंगा, ए प्लस बी। ओके यही हम लोग कोड करते हैं अभी तक एडिशन के लिए, है ना। अब यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा क्या, एडिशन इज इक्वल टू परसेंटाइल डी, मुझे इंटीजर वैल्यू प्रिंट करनी है, और क्या वैल्यू किस में स्टोर होगा एडिशन होकर के सी में, तो सी मैंने प्रिंट किया और इसको रन कराया। अब देखिए इंटर फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर दिया मैंने 10, ओके सेकंड नंबर दिया मैंने 30, आंसर क्या आना चाहिए, 40 आ रहा आंसर, बिल्कुल सही है प्रोग्राम हमारा, है ना, कितना इजी है, आ गया समझ में। ओके तो अगर मुझे इसको माइनस में करना हुआ तो क्या कर सकता हूँ, क्या करना होगा मुझे इसको माइनस करना हुआ तो, मुझे सिंपल माइनस कर दिया मैंने, ए माइनस बी। ओके वेरी गुड, मैंने माइनस कर दिया, अगर इस तरह मल्टीप्लाई करना हुआ तो मैंने ऐसे कर दिया, और अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे वैल्यू किया और यहाँ पे मैंने लाइन चेंज किया, यहाँ पे लिख दूं मैं सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन इक्वल टू परसेंटाइल डी, क्योंकि ये वैल्यू है। ओके फिर एक लाइन चेंज करता हूँ, मैं लिखता हूँ डिविजन इक्वल टू परसेंटाइल डी, लिख दिया मैंने मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू परसेंटाइल डी। ओके अब मैंने ये सारा डिक्लेयर कर दिया, यहाँ पे मुझे क्या क्या प्रिंट करना है, और यहाँ पे मैं एक डाल देता हूँ आई एन टी डी इज इक्वल टू ए माइनस बी, सब्ट्रैक्शन हो गया, फिर आई एन टी ई इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी हो गया, फिर आई एन टी एफ इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई बी। ओके एस्ट्रिक, ये देख रहे हो ये सिंबल स्टार वाला, ये मल्टीप्लीकेशन के लिए यूज होता है, एक्स यूज नहीं होता है मल्टीप्लीकेशन के लिए, प्रोग्रामिंग में एक्स नहीं यूज कर सकते आप मल्टीप्लीकेशन के लिए, आप लोग एस्ट्रिक यूज करते हो। ठीक है, ये स्टार सिंबल जो कि 8 के कीबोर्ड में 8 के ऊपर होता है। ओके अब यहाँ पे सी में एडिशन है मेरा, उसके बाद कॉमा करके मैं डी दे दूंगा, डी में मेरा क्या है सब्ट्रैक्शन है, सॉरी हाँ सब्ट्रैक्शन है राइट, और उसके बाद ई में मेरा क्या है डिविजन है राइट, उसके बाद एफ में मेरा मल्टीप्लीकेशन है। अब मैं इसको रन कराऊ, देखिए फर्स्ट नंबर बोल रहा है, फर्स्ट नंबर मैंने दिया 80, सेकंड नंबर दिया मैंने 20, एकदम सही आ रहा है मेरा आंसर, एडिशन 100, सब्ट्रैक्शन 60, डिवीजन 4 एंड ये मल्टीप्लिकेशन 1600, सिंपल, एक सिंपल कैलकुलेटर बन गया हमारा, यूजर से दो इनपुट दिया और मैंने कर दिया बना दिया, कितना सिंपल है ना, स्क्रीन विजिबल है मेरा, यस सर। हां देखिए मैं क्या बता रहा था, आपने यहाँ पे अगर मैंने परसेंटाइल नहीं लगाया तो पहले तो मेरे को एक वार्निंग शो किया, ठीक है मेरा प्रोग्राम रन हो रहा है अभी भी, देखिए यहाँ पे वेट कर रहा है मेरा, वो मेरा एरर नहीं आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ मेरे को वार्निंग शो कर रहा है। ठीक है देखिए यहाँ पे क्या है, आप वार्निंग को और एरर को समझिए, आप लोग समझ के पढ़िएगा क्या बोल रहे हैं, फॉर्मेट परसेंटाइल डी एक्सपेक्टेड आर्ग्यूमेंट टाइप इंटीजर एस्ट्रिक बट आर्ग्यूमेंट टू हैज टाइप इंट, ठीक है मतलब कि मेरे को एक एड्रेस टाइप का चाहिए। ठीक है आप ये जो एस्ट्रिक वगैरह देख रहे हो ना वो आपको सब समझ में आ जाएगा अभी आगे चलिए, लेकिन यहाँ पे मैंने दिया, अगर मैं देखो यहाँ पे पहले मैं लिखता हूँ 20, ठीक है बिल्कुल सही है क्योंकि पहले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्कैन कर रही है पहला लाइन अपने आप आराम से, फिर मैं लिखा 30, तो देखिए क्या होता है, प्रोग्राम फिनिश हो जा रहा है विद एग्जिट कोड, क्या एग्जिट कोड है 0, मतलब कि मेरा प्रोग्राम ये सब एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, डायरेक्टली इधर आ जा रहा है मेरा, यहाँ पे ये टर्मिनेट होकर के मेरा एकदम नीचे आ जा रहा है प्रोग्राम। ठीक है ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, मतलब मेरा कुछ एरर है, मेरा ये चीज प्रिंट ही नहीं कर रहा है, अगर ये एग्जीक्यूट होता तो यहाँ पे दिखाता ना एडिशन वगैरह सब क्या है, ठीक है ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है मतलब मेरा यहाँ पे कुछ एरर है, इसलिए हम लोग यहाँ पे परसेंटाइल लगाएंगे, ये परसेंटाइल डी परसेंटाइल बी। ओके
अब देखिए रन करूंगा तो प्रॉपरली रन होगा, 10, 5 देखिए पूरा प्रॉपर आंसर आ रहा है ना। ये होता है सिंपल कैलकुलेटर का प्रोग्राम, आप सिंपल सा एकदम। तो अभी उसके बाद अब मैं आपको क्या बताऊं, ओके अगर लेट्स एक इसमें मैं बताता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, ये सबने स्क्रीनशॉट ले लिया है ना? यस यस सर। ठीक है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, हटा देता हूँ।